हेलो और नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं सहर शहर और मैं हूं नकमा। और आज एक ऐसे मुद्दे पे चर्चा करेंगे जो हम सबके लिए बहुत अहम भी है और हम सबके जीवन से जुड़ा है और हम सबको इसमें बहुत इंटरेस्ट है, और ये है आपके हेल्थ से जुड़ा हुआ, आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ। चर्चा हम कर रहे हैं आज इंटरमिटेंट फास्टिंग की। आप सबने इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में आप सुना होगा क्योंकि बहुत लोकप्रिय हुआ, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। यानी कि आप उपवास रखते हैं, फास्ट करते हैं कुछ घंटों की और कुछ घंटों में आप खाते हैं। तो कई लोग 12 घंटे, कई 14 घंटे, कई 16 घंटे इस तरह की फास्टिंग करते हैं, यानी जो आपके खाने का समय है वो रिड्यूस होता है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, साथ साथ हमारे साथ डॉक्टर मंजरी जुड़ी हैं जो इसमें स्पेशलिस्ट हैं खास करके न्यूट्रिशनल मेडिसिन में, तो किस तरह से फास्टिंग का उपयोग उपचार में भी किया जाता है इसको जानना बहुत जरूरी है। पर हाल के दिनों में एक स्टडी आ गई अमेरिका से जिसमें ये कह दिया गया कि ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है ये एक वजह हो सकती है इंक्रीज्ड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के लिए, यानी जो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं। पर किसी भी स्टडी को उसकी गहराई में समझना बहुत जरूरी है। क्यों उपवास रखने से क्या नुकसान होगा? क्योंकि भारतीय सिस्टम जो है या आयुर्वेद जो है उसमें आप देखें तो हमेशा से ये था कि कहा जाता है आज भी कि सूर्यास्त के समय आप खाना बंद करें और सूर्योदय के बाद खाना खाएं। तो अगर आप 6 बजे के बाद खाना नहीं खाते हैं, जो कि करना भी चाहिए, और मॉडर्न साइंस भी यही बताता है कि लेट नहीं खाना खाएं, और अगले दिन जब आप 11-12 बजे खाना खाते हैं तो आप लंबी अवधि तक फास्टिंग करते हैं। साथ साथ भारत में तमाम धर्मों में भी उपवास का, मौसम बदलने के समय भी फास्टिंग का एक की एक धारणा, एक कॉन्सेप्ट हमेशा रही है और ये बहुत फायदेमंद भी होता है। तो फिर क्यों इसको लेके अब सवाल उठ रहे हैं डॉक्टर मंजरी? इंटरमिटेंट फास्टिंग पे बहुत सारे डॉक्टर्स ने वेस्ट के पहले ये लिखा भी है कि हाउ फास्टिंग इज वेरी हेल्पफुल। डॉक्टर मैं पता नील बर्नार्ड हैं जिन्होंने इसके ऊपर बहुत काम किया है, कई तरह के नाम इसमें सामने आए, बल्कि हार्वर्ड की एक स्टडी है उसमें भी लिखा हुआ है कि बहुत पॉजिटिव आउटकम्स हैं फास्टिंग के। डॉक्टर जेसन फंग हैं, डॉक्टर जॉन मैकडोगल हैं, ये तमाम लोग उपवास को अपने उपचार में इस्तेमाल कर रहे हैं। आप तो न्यूट्रिशनल मेडिसिन से जुड़ी हुई हैं, एक तो पहले ये बताइए डॉक्टर कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का सही तरीका क्या होना चाहिए? बहुत सारे लोग उपवास रख लेते हैं 14-16 घंटे भूखे रहे और 6-7 घंटे में बहुत ज्यादा और कुछ भी खा लेते हैं, तो अगर आप फास्टिंग करें तो कैसे करें, इसके फायदे क्या हैं? सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि फास्टिंग के बेनिफिट्स क्या हैं। अगर आप फिजियोलॉजिकल लेवल पे देखेंगे तो अगर हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में नहीं खाते हैं या फास्ट रखते हैं, इट गिव्स आवर बॉडी एन अपॉर्चुनिटी टू रिपेयर एंड हील इट्स सिस्टम। जैसे संडे को जब हमारी छुट्टी होती है तो हमें मौका मिलता है टू ओपन आवर वार्डरोब्स एंड क्लीन देम, ऑर्गेनाइज आवर पेपर्स। इसी तरह जब हम नहीं खाते हैं द बॉडी गेट्स chance to correct its hormonal systems, its neurological systems, its the neurotransmitters that are produced, the immune system. तो fasting physiological level पे beneficial चीज है, ये science prove कर चुकी है। Problem क्या हुआ कि जब भी कोई इस तरह की study आती है या कोई trend जैसा बन जाता है तो लोग उसको हर तरह से अडॉप्ट करते हैं, कई बार बिना एडवाइस लिए, कई बार जो वो इंटरनेट पे पढ़ लेते हैं, कई बार क्विक फिक्स सॉल्यूशंस की तरह उसको अडॉप्ट करते हैं, तो टोटैलिटी में अडॉप्ट नहीं करते। हमने फास्ट तो कर लिया 14 घंटे का, बट जब हम खाने बैठे तो क्या क्वालिटी हमारे खाने का है उस पर ध्यान नहीं दिया। अगर आप फास्ट करके अपने फास्ट को पिज्जा से ब्रेक कर रहे हैं या बहुत फैटी फ्राइड अनहेल्दी जंक फूड से ब्रेक कर रहे हैं तो वो काउंटर प्रोडक्टिव हो गया आपके लिए, यू नो, वो फास्ट करना। तो फर्स्ट थिंग अबाउट फास्टिंग इज 3 पार्ट्स टू दिस। वन इज थोड़े टाइम तक खाली पेट रहना फास्टिंग है। आप डिसाइड कर सकते हैं आपको 10 घंटे करना है, 12 घंटे करना है, 14 घंटे करना है, जो आपकी एज, आपकी क्लिनिकल कंडीशन, आपकी हेल्थ के लिए अप्रोप्रिएट है। सेकेंड है कि आप कितनी बार खाएं। फास्टिंग का मतलब ये नहीं कि सुबह 2 बजे खाएं पहली बार और रात में 12 बजे खाएं। आपको फिर भी सनडाउन के पहले अपना लास्ट मील खाना है। कई लोग फास्टिंग के नाम पे रात के 10, 11, 12 बजे अपना लास्ट मील खा रहे हैं, तो वो भी गलत है। तो टाइमिंग एंड ऑफ मील्स इज इम्पोर्टेंट। एंड थर्ड चीज इज क्वालिटी ऑफ मील्स। फास्ट किस खाने से ब्रेक करें और क्या खाएं अपने ईटिंग विंडो में, वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है।
और इसमें जब फास्टिंग लोग करते हैं तो 14 घंटे अगर आप भूखे रहते हैं, आपने भी अभी बताया कि बॉडी हील भी करती है, बॉडी को भी एक आपके शरीर को समय मिलता है, तो उसमें कहा जाता है कि 14 घंटे और 16 घंटे की जो फास्टिंग होती है उसके एक अपने फायदे हैं। कीटोजेनेसिस भी एक चीज़ है जो शुरू हो जाती है, दूसरे की कैंसर के ट्रीटमेंट में, ऑन्कोलॉजी में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो किस तरह से फास्टिंग काम करती है, क्या फायदा होता है शरीर को जब आप बीमारी के समय उसको अगर कम खाना दें, क्या फायदा होता है, और कितने घंटे की फास्टिंग से क्या लाभ है अलग अलग? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लॉन्ग फास्ट जो होते हैं 14+ आवर्स के, उनसे आपने जैसे बोला कीटोसिस शुरू हो जाता है। हमारी बॉडी शुगर को ब्रेक करने की जगह जो बॉडी में डिपॉजिटेड फैट है, एडिपोज टिश्यू, उसको ब्रेक डाउन करने लगती है और कीटोन्स बनाती है जो एनर्जी का सोर्स होते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है बिकॉज ये क्लीन एनर्जी भी है, और अगर आपकी बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा फैट है, आप ओवरवेट हो, परसेंटेज बॉडी फैट ज़्यादा है, तो आप उस एक्सेस फैट को यूटिलाइज करके आइडियल बॉडी वेट में ला सकते हो। एक ही इनिशियल फायदा हुआ। और आप बहुत सारे क्लिनिकल फायदे हैं, जैसे आपने कैंसर की बात करी, जो कैंसर सेल होता है वो शुगर पे डिपेंडेंट होता है, ट्यूमर, वो ट्यूमर को मल्टीप्लाई करने के लिए बहुत सारा क्विक एनर्जी की जरूरत है। जब आप फास्ट करते हैं यू डोंट अलाउ द ट्यूमर टू मल्टीप्लाई एट अ मच फास्टर रेट, सो यू लिमिट द स्प्रेड ऑफ कैंसरस टिश्यू, एंड ये प्रूवन है, रिसर्च से प्रूवन है। इसीलिए हम बोलते हैं फास्टिंग, इफ यू फास्ट यू कैन डिस्ट्रॉय ट्यूमर, प्री कैंसरस मिसबिहेविंग सेल, and this is proven by research. Proven and peer studies भी हैं इस पे, right? लेकिन ये भी जैसा आप कह रहे हैं कि अगर आप उस समय ये कर रहे हैं as a treatment, तो क्या उसके बाद खाते हैं fast break करने के बाद, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप जब फास्ट खोलिए, आइडियली आपको फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द डे में खोलना चाहिए, सुबह के 8 से 10 बजे के बीच में, और लास्ट खाना अपना 6 से 7-8 के बीच में खाना चाहिए। तो वैसे ही आप 14 घंटे की फास्टिंग हो जाएगी अगर आप 6 बजे खा लें और अगले दिन आप सुबह 10 बजे अगर खाएं, तो लंबी 16 घंटे की फास्टिंग हो जाती है। और ये बहुत आसान है, हमारी सर्केडियन रिदम के साथ भी अलाइन करता है, हमारी फिजियोलॉजी को भी सूट करता है, और हमारे कल्चरल सिस्टम्स में भी, जैसा आप बता रहे थे कि हमारे यहाँ जो सिस्टम था पहले यही था कि सुबह आप 9-10 बजे अपने काम करके प्रे करके खाते थे और रात में सूरज डूबने के पहले खाते थे, which is also what science is saying. As you said, कि जब आप खाना शुरू करें तो न्यूट्रिशियस मील खाएं जिसमें वेजिटेबल्स हों, गुड फैट्स हों, गुड क्वालिटी के कार्बोहाइड्रेट्स हों, मैदा ना खाएं, शुगर ना खाएं, पैकेज्ड बेवरेज से या पैकेज्ड ब्रेकफास्ट सीरियल से या ब्रेड से अपना दिन शुरू ना करें। आप अपने घर में बना हुआ बेसन या मिलेट्स या प्रोटीन रिच फूड या वेजिटेबल से बना हुआ होममेड फूड, उससे अपना फास्ट करें। And then through the day, आप स्नैक भी हेल्दी तरह से करें। कई बार लोग सोचते हैं हमने फास्ट कर लिया, so we have the freedom to eat whatever we want in our time. और वो बहुत गलत है कि आपने फास्ट किया लेकिन आप उसके बाद कुछ भी खाने लग जाते हैं, तो ये सही नहीं है। अब ये जो एक स्टडी आई जिसको लेकर अचानक से एक होता है कि लोग टारगेट करने लग जाते हैं कि ये फैड है इंटरमिटेंट फास्टिंग, और इससे देखो पता चल गया एक स्टडी में कि हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बट जरूरी है समझना कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम क्यों होगी, क्या गलत कर रहे हैं वो लोग। जैसे ये US की कोई एक स्टडी है जिसमें ये बताया जा रहा है, ये कहा गया है कि इंक्रीज कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस कैन बी रिलेटेड टू द इंटरमिटेंट फास्टिंग बिकॉज लोग 7-8 घंटे में अपने ईटिंग आवर्स को सीमित कर दे रहे हैं। तो आप क्या इसमें रिलेशन देखते हैं इसमें? ना पहले तो वी हैव टू डाइसेक्ट द स्टडी इटसेल्फ। इट्स नॉट अ स्टडी, इट वाज अ एब्स्ट्रैक्ट दैट वाज प्रेजेंटेड इन द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस, AHA की कॉन्फ्रेंस। इसमें एक एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन होता है जो कि जब उसको वो बोर्ड कहता है कि ठीक है तब वो स्टडी की जाती है और पब्लिश की जाती है। तो ये पब्लिश स्टडी नहीं, इट्स ओनली तो बहुत इंपॉर्टेंट है जी ये भ्रम को दूर करना कि ऐसी कोई स्टडी नहीं है, जो हेडलाइन से वो भी मिसलीडिंग है। इसका मतलब जी अभी ये प्रेजेंट किया गया, अगर ये अप्रूव होती है तो इस पर स्टडी होगी आगे, इट्स नॉट प्रूवन।
जी, और जो डेटा कलेक्शन भी हुआ वो बहुत रैंडम तरह से हुआ, सिर्फ लोगों को बुला के पूछा गया कि आपने पिछले 2 दिनों में क्या खाया, और ना ही उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन हुआ, ना उसका कोई स्टैंडर्ड। जब भी कोई स्टडी करते हैं तो हम एक कंट्रोल पॉपुलेशन लेते हैं और एक एक्सपेरिमेंटल पॉपुलेशन लेते हैं, तो इस तरह का कोई डिजाइन ही नहीं था स्टडी में, जिसको रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल बोलते हैं। ये बहुत ही बेसिक सा एक एब्स्ट्रैक्ट है जो अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ है, तो उसको लेकर के इतना बड़ा उसका बना देना और उसको एक्सेप्ट कर लेना कि ये एक हाइपोथेसिस है जो प्रूव हो गई है, वो थोड़ा मिसलीडिंग हो रहा है नॉर्मल लोगों। बिल्कुल, और साथ साथ बहुत तरह की जो फैट डाइट्स भी हैं, डॉक्टर मंजरी चूंकि आप न्यूट्रिशनल मेडिसिन में डील करती हैं और आपने कहा कि ऑन्कोलॉजी में खास करके कैंसर ट्रीटमेंट में फास्टिंग का बहुत उपयोग करती हैं एज पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, तो जो बहुत सारी डाइट्स है जिसमें लोग सिर्फ प्रोटीन रिच खाना खाने लग जाते हैं, लाइक कीटो डाइट, कीटोसिस से अलग है, राइट, एक कीटो डाइट है, और भी कई तरह के डाइट है जिसमें लोग सिर्फ एक फूड ग्रुप खाने लग जाते हैं, तो आप बताएं ये कि कितना महत्वपूर्ण है एक मॉडरेशन और बैलेंस करना तमाम फूड ग्रुप्स के बीच। एब्सोल्युटली, सी प्रॉब्लम क्या हुआ कि हम जरूरत से ज्यादा सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स खाने लगे, शुगर, प्रोसेस्ड फूड, ब्रेड, मैदा, हमारा हर मील उसी से बना था, दैट इज वेयर वी गॉट ओवरबोर्डिंग विद कार्बोहाइड्रेट्स एंड शुगर, तो वो एक चीज लिमिट करने की जरूरत है हमें अपने डे टू डे लाइफ में। ऑल्सो बिकॉज हम एक्सट्रीमली सेडेंट्री है, वी आर नॉट प्लाइंग द फील्ड और डूइंग फिजिकल लेबर, क्योंकि हम सेडेंट्री हैं तो हमारी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी बहुत कम है, इसलिए शुगर और कार्ब्स को कम करके बाकी न्यूट्रिएंट्स जैसे कि गुड फैट्स, रफेज, फाइबर, वेजिटेबल्स, गुड क्वालिटी प्रोटीन, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नगमा जी, अगर इसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है तो बहुत सिंपल है समझना, अपने हाथ से अपने घर में बना हुआ सिंपल खाना जिसमें हर्ब्स एंड स्पाइसेस हों, गुड फैट्स हो, उतना ही काफी, अगर हम उतना भी करते तो भी बहुत है, तो हम काफी सारे रॉन्ग फूड्स को ऑलरेडी अवॉइड करते हैं द मिनट वी स्टार्ट ईटिंग फ्रॉम आवर ओन किचन्स। जी, बल्कि लैंसेट में एक स्टडी मैं देख रही थी, ये पूरी एक स्टडी की हुई है कि कई इस तरह के ट्रायल हुए हैं जहां पर पता चलता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी एक लंबे समय तक जब आप खाना नहीं खाते हैं तो उससे हेल्थ बेनिफिट्स बहुत हैं, खास करके इस तरह की कंडीशन में जैसे डायबिटीज है, कैंसर है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज है यानी हार्ट डिजीजेज है, वेट रिडक्शन तो इसमें एक है ही, इसमें आपका एक तरह से वेट रिडक्शन भी होता है, लेकिन ये भी जरूरी है जाना कि सिर्फ और सिर्फ वेट रिडक्शन के नजरिए से अगर आप बहुत लंबे समय तक नहीं खाते हैं और फिर बहुत जंक खाते हैं तो कोई वेट रिडक्शन नहीं होने वाला है। तो जैसा डॉक्टर मंजरी बता रही है कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें या फास्टिंग वैसे भी करते हैं, हमारे भारतीय सिस्टम में जो सर्कैडियन रिदम भी है यानी कि जब आप नेचर को फॉलो करते हैं तो सूर्यास्त और सूर्योदय के साथ अगर अपने आप खान पान को अलाइन करेंगे, मिलाकर चलेंगे, तो सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना चाहिए और सूर्योदय के बाद 10-11 बजे अगर आप खाना खाएं तो वो ऑटोमेटिकली आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं और ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर मंजरी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।